परमेश एक बहुत बड़ा धनवान है, जिसे दादा पर दादा की ढेर सारी दौलत मिली है। वो दौलत उसकी कमाई की नहीं है, इसलिए उसे उस बात का बहुत घमंड था। हर पुरानी चीज को फेंक देना और दूसरों को नीचा दिखाकर बात करना उसका शौक था, इसलिए लोग उससे कम ही बात करते हैं। जग्गू, मैं उस गाय को काफी दिन से देख रहा हूँ। काफी दुबली पतली और कमजोर लग रही है। उसे बेचने पर जो चिल्लर मिलेंगे वो मुझे नहीं चाहिए। उसे घर के बाहर भगा दो, कोई ना कोई एडॉप्ट कर लेगा या वो अपने आप मर जाएगी। ये कहते हुए परमेश अपने नौकर जग्गू से कहकर उस गाय को बाहर निकाल देता है, लेकिन जग्गू उसे ऐसे ही छोड़ने के बजाय परमेश के घर के सामने वाले एक गरीब गोविंद को 500 रुपए में बेच देता है। अगले दिन सुबह जब परमेश अपनी गाय को गोविंद के पास देखता है तो उसे किसी का मजाक उड़ाने का अच्छा मौका मिल जाता है। क्यों भाई गोविंद, तुम अडॉप्ट करने के लिए इससे बेहतर गाय नहीं मिले क्या? वैसे भी तुम्हारी औकत नहीं है अच्छी गाय खरीदने की। एक बार मेरी नए गाय को देखो, तुमने शायद कभी ऐसी गाय को देखी नहीं होगी। गाय को संभालने के लिए औकत की नहीं, सबर की जरूरत है परमेश साहब। आप देखना मैं उस मरती हुई गाय को कैसे ठीक करता हूँ, और आप उस अच्छी खास गाय की हालत कैसे खराब करते हो। ये कहते हुए गोविंद वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जाते जाते पहले से ही बहुत ज्यादा घमंडी परमेश को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाकर जाता है। इसलिए परमेश अपनी गाय की ज्यादा केयर करने के चक्कर में उसे परेशान करने लगता है। जग्गू, आज से इस गाय के घास में मेरी दिए हुए केमिकल्स डालो, इससे हमारी गाय हमेशा स्वस्थ और मोटी रहेगी। ऐसे अच्छी खासी गाय के घास में केमिकल डालता है और अच्छी खासी गाय की तबीयत खराब कर देता है। वो देखकर परमेश को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो जग्गू से ज्यादा केमिकल डालने को कहता है। जग्गू उसे मना करता है, लेकिन तुम मेरे पास काम करते हो, मैं तुम्हारे पास नहीं। मैं जो कहता हूँ वो चुपचाप अपने मुंह बंद करके कर लो। जग्गू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर गोविंद उस गाय को साफ सुथरा हरा भरा घास खिलाकर कुछ ही दिनों में एकदम स्वस्थ बना देता है, और वो गाय अच्छे से दूध भी देने लगती है, और गोविंद दूध का व्यापार भी शुरू कर देता है। वो देखकर परमेश को जलन होने लगती है, इसलिए एक दिन परमेश गोविंद से, बहुत इस्तेमाल कर ली मेरी गाय को, अब मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। चुपचाप मेरी गाय मुझे लौटा दो। तुम्हारी गाय तो मेरे पास नहीं है, सुना है तुमने उसके घास में केमिकल डालकर बिना वजह उसकी तबीयत के साथ खिलवाड़ रहे हो, और अब तुम्हें मेरी गाय चाहिए। ये मैं जग्गू से 500 में खरीदी थी, अब मैं इसे 5 लाख में भी नहीं दूंगा। परमेश गुस्से में जग्गू के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने किससे पूछकर उसकी गाय को 500 में बेचा था। तब जग्गू कहता है कि उस गाय को सड़क पर छोड़ने के बाद वो किसी की भी नहीं थी, वो चाहे उसके साथ जो करे, परमेश को पूछने का हक नहीं है। लगता है आज सारे भिखारी मेरी बातें सुनने के लिए ही आ रहे हैं। चुपचाप मुझे मेरी गाय लेकर दो, वरना मैं तुम पर चोरी का इंजाम लगाकर
अंदर करवा दूंगा। अंदर तो आप जाएंगे साहब जी, मेरे पास आपकी हर खाली काम की वीडियो है। अपने ना जाने कितने जानवरों को आपने पैसों की गमन की वजह से मार दिया है। मैं चुप था लेकिन अंधा नहीं। ये कहते हुए जग्गू कहते हैं कि चाहे पैसे कितने भी क्यों ना हो, हर काम पैसों से नहीं होता है। कभी कभी साधारण तरीका ही दुनिया का सबसे बेहतर तरीका होता है। इसलिए गरीब गोविंद ने मरती हुई गाय में जान डाल दी है और धनवान परमेश अच्छी खासी गाय को मरने की हालत पर लेकर आया है। वो बात सुनने के बाद परमेश, तुम सही कह रहे हो जग्गू। मुझे लगा था कि धनवान ही हर चीज के अच्छे से ख्याल रख सकता है। एक धनवान के एडॉप्शन के सामने गरीब का एडॉप्शन बेकार है, लेकिन मैं गलत था। अमीर और गरीब का एडॉप्शन नहीं होता है, सिर्फ जिम्मेदारों का एडॉप्शन होता है। ऐसे परमेश को अकल आती है और वो सुधार जाता है, लेकिन वो ये बात नहीं भूलता है कि जग्गू ने उसकी गाय 500 में बेच दी थी। ठीक है साहब जी, मैं चलता हूँ। वो 500 भूल जाओ आप। शिवम नाम का लड़का अपनी बड़ी बहन सोनी के साथ रहता था। सोनी नदी किनारे जाकर लोगों के कपड़े धोने का काम करती थी। एक दिन की बात है, सोनी नदी किनारे कपड़े धो रही थी, तभी अचानक से उसके हाथ से कपड़ा छूटकर नदी के पानी में बह जाता था। अरे अरे, मेरा कपड़ा पानी में बह गया। अगर जल्दी से पकड़ा नहीं गया तो यह दूर बहकर निकल जाएगा। सोनी जल्दी से पानी के अंदर कपड़े के पीछे पीछे जाने लगती है। सोनी जैसे जैसे कपड़े को पकड़ने की कोशिश करती, कपड़ा उतना ही दूर चला जाता है। हे भगवान, ये कपड़ा तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। जितना मैं इसके पकड़े की कोशिश करती हूँ, ये उतना ही दूर जा रहा है। फिर देखते ही देखते कपड़ा सोनी की आंखों के बहुत दूर चला जाता है और सोनी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती ही जा रही थी। अब क्या होगा, शाम भी हो गई है। अगर आज ये कपड़ा मैंने सेठानी जी को नहीं दिया तो वह मेरे सारे पैसे काट लेंगी और फिर कभी मुझे कपड़े धोने के लिए नहीं देंगी। फिर जैसे तैसे करके सोनी उस कपड़े तक पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। पकड़ लिया कपड़ा। कपड़े को पकड़कर सोनी बहुत खुश होती है। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा, शिवम मेरा इंतजार कर रहा होगा। सोनी उस गीले कपड़े को बाल्टी में डालकर घर चली जाती है और खाना बनाकर अपने भाई शिवम को खिलाकर खुद भी खाकर सो जाती है। और अगली सुबह जब सोनी और उसका भाई शिवम सोकर उठते हैं तो देखकर हैरान होते हैं कि फर्श पर एक सुनहरी रंग का मछली पड़ी है और वह बड़ी बुरी तरह से तड़प रही है। ये मछली कहाँ से आई? अगर इसे जल्दी से पानी में नहीं डाला तो ये मर जाएगी। फिर सोनी एक बर्तन में साफ पानी डालकर उस सुनहरी मछली को डाल देती है। कितनी सुंदर मछली है और इसका रंग कितना सुंदर है। हाँ दीदी, ये मछली तो बहुत सुंदर है। क्या हम इसे पाल सकते हैं? नहीं नहीं, हमें इसे पाल नहीं सकते। ये ज्यादा दिन तक यहाँ जिंदा नहीं रह सकती। ये नदी के पानी में ही जीवित रह सकती है। मैं अभी इन्हें नदी में छोड़ कर आती हूँ। फिर सोनी सुनहरी मछली को ले जाकर उसे नदी में छोड़ देती है और जैसे ही मछली पानी के अंदर चली जाती है, वो बोलने लगती है। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई सुनहरी मछली हूँ।
तुमने मेरी जो जान बचाई है उसके लिए धन्यवाद। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने घर चले जाओ, अपने माता पिता के पास। वो तुम्हारी राकत देख रहे होंगे। मछली सोनी के घर की हालत समझ सकती थी। उसे पता था कि सोनी और उसका भाई बहुत गरीब है और वह अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। इसलिए मछली पानी के अंदर जाती है और अपने मुंह में एक छोटा सा शंख लाती है और वह उसे सोनी को देती है। ये लो शंख, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इस शंख को अपने हाथ में इच्छा जाहिर करना, वो चीज तुम्हारा सामने होगी। और हाँ, इसे तुम पूरे दिन में एक ही बार मांग सकते हो। वह सुनहरी मछली सोनी को शंख देकर पानी में गायब हो जाती है। सोनी शंख लेकर घर आ जाती है। आज उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। शिवम, आज घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, अब मैं तुझे क्या खिलाऊंगी? तभी उसे सुनहरी मछली का दिया हुआ शंख याद आता है। रुक, मेरे पास एक चीज है। सोनी उस शंख को अपने हाथ में लेती है और अपनी इच्छा जाहिर करती है। हमें खाना और मिठाई दे। फिर क्या था, देखते ही देखते उनके सामने बहुत सारा खाना और ढेर सारी मिठाई आ जाती है। सोनी और उसका भाई शिवम खाना और मिठाई देखकर बड़े खुश होते हैं। वाह दीदी, इतना सारा खाना और मिठाई, आज तो मजा ही आ गया। अब मैं खूब पेट भर खाना खाऊंगा। हाँ मेरे भाई, अब से हर रोज पेट भर कर खाना खाएगा। फिर सोनी और उसका भाई दोनों पेट भर के खाना खाते हैं और फिर उस दिन के बाद से उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है।